प्रो वेलनेस ममता के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारी हेल्थ विद हर्ब्स सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोंच बीज। कोंच बीज के बारे में हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, क्या इसके फायदे होते हैं, कैसे इस्तेमाल किया जाता है और मुख्य कौन कौन से योगों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आप देखिए, ये है कोंच बीज। इसका वैज्ञानिक नाम होता है म्यूक्यूना प्रूरियंस और इसको संस्कृत में केवांच बीज और कपिकच्छू भी कहा जाता है। कपिकच्छू इसलिए इसका नाम पड़ गया कि जो इसकी पॉड होती है यानी जो फली होती है उस पर रोम होते हैं, यानी छोटे छोटे रोए होते हैं जो कहीं पर भी अगर स्पर्श हो जाए तो वहां पर इंफ्लामेशन और खुजली पैदा कर देते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कपिकच्छू। ये बहुत फायदे की चीज है और इंग्लिश में इसको वेलवेट बीन्स और काउहेज भी कहा जाता है। मुख्यतः जो हम इस्तेमाल करते हैं वो काले कोंच के बीज इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक और वेराइटी भी अवेलेबल होती है जिसको सफेद कोंच कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और ये दोनों एक ही स्पीशीज की दो वेराइटीज मानी गई हैं। अब शुरू करते हैं कि ये आयुर्वेद के हिसाब से क्या महत्व रखती है। आचार्य चरक ने इसको बल्य वर्ग में माना है और इसका वहां पर नाम दिया गया है ऋषभा। बल्य वर्ग जो आचार्य चरक ने 50 महाकषाय बताए हैं उनमें से एक वर्ग है बल्य और इसका अर्थ होता है बल देने वाला। तो दोस्तों ये बल देने वाली औषधि है। थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके रस गुण वीर्य और विपाक के बारे में। दोस्तों इसका जो गुण होता है वो भारी होता है, यानी ये हैवी है डाइजेशन में, पाचन में ये भारी है। दूसरे इसका जो रस है यानी जो इसका टेस्ट होता है वो मधुर माना गया है और इसका विपाक यानी पाचन के बाद जो इसका रस बनता है वो भी मधुर माना गया है। एक चीज होती है जिसे तासीर कहा जाता है आम भाषा में और हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसके लिए शब्द होता है वीर्य। तो इस औषधि का जो वीर्य है वो उष्ण है, यानी ये गर्म तासीर वाली दवाई मानी गई है। अगर हम दोषों के हिसाब से बात करें तो इसका जो दोषों पर प्रभाव है, वैसे तो ये त्रिदोष शामक है यानी तीनों दोषों को दूर करने वाली है, परंतु खास तौर से स्पेशली इसका जो रोल है वो वात रोगों में माना गया है, यानी ये वात रोगों को दूर करती है। अब ज्यादा देर किए बिना हम इसके फायदों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यूं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं लेकिन मैंने मुख्य तौर पर आपके लिए 5 फायदे इसके समराइज किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो प्रभावकारी है या फिर जो इसका रोगाधिकार है उसके हिसाब से ये वृष्य है। वृष्य का अर्थ होता है कि यह पुरुषों में शक्ति देने वाली है और इसके अलावा संभोग की इच्छा पैदा करने वाली, संभोग शक्ति बढ़ाने वाली औषधि इसको माना गया है। तो ये इसका पहला गुण है वृष्य। वृष्य में गाइस सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें पुरुषों से संबंधित जितने भी आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं वो सब इसमें कवर हो जाते हैं, खास तौर से क्लेव्य इरेक्टाइल डिसफंक्शन, संभोग इच्छा की कमी यानी के लैक ऑफ लिबिडो इसमें माने गए हैं। दूसरा इसका जो फायदा है वो ये है कि नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर आप नर्वाइन प्रॉब्लम्स फील कर रहे हैं और आपके मस्तिष्क दिमाग में और जो आपकी मसल्स हैं उनके बीच का तालमेल गड़बड़ा रहा है तो इसका इस्तेमाल आपके लिए लाभकारी होता है। तीसरे इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मस्तिष्क को बल देने वाली है और इसके पीछे ये कारण माना गया है कि ये एल डोपामीन का एक बहुत अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, इसके बीजों में एल डोपामीन काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है। चौथे जो इसका फायदा माना गया है वो वेट गेन में माना गया है। इसके चूर्ण के लड्डू बनाए जाते हैं जो वेट गेन में सहायता करते हैं। और पांचवे जो इसका मुख्य लाभ माना गया है वो शियाटिका के पेन में माना गया है।
अब बात करते हैं कि इसका जो कौन सा भाग इस्तेमाल होता है। इसके मुख्य तौर पर इसके बीज इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों मैंने शुरू में शायद नहीं बताया, बता देता हूं कि इसका जो पौधा होता है वो फेबेसी कुल यानी के जो शिम्बी कुल होता है, फली वाले पौधे होते हैं उनका सदस्य है। और इसकी जो फलियां होती हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं, फली के अंदर बीज इस रूप में होता है वो भी इस्तेमाल होता है, जड़ भी इस्तेमाल होती है, और जो फली के ऊपर मुलायम रोम होते हैं, बाल होते हैं, वो भी इस्तेमाल होते हैं। परंतु खासतौर से इसके बीजों का चूर्ण इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो इस्तेमाल करने के तरीके हैं, बीजों का चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी आपकी प्रतिदिन की मात्रा 6 ग्राम तक आप ले सकते हैं। दूसरे इसका इस्तेमाल, इसके जो बीजों का जो अंदर का हिस्सा होता है गिरी, अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो 250 से 500 मिलीग्राम प्रतिदिन दिन में एक बार या दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज, अगर आप इसका काढ़ा बनाते हैं चाहे वो बीजों का या जड़ का, तो वो अधिकतम मात्रा दिन में 30 मिलीलीटर निश्चित की गई है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। दोस्तों यूं तो इसके कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एल-डोपामीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर आप इसका लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो आपको कुछ विशेष प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अतः ही सलाह दी जाती है कि अगर आप इसका 6 महीने तक लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। खासतौर से प्रेग्नेंट लेडीज, बच्चे और लैक्टेटिंग मदर्स यानी स्तनपान कराने वाली महिलाएं अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर आप कोच वी से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरी वेबसाइट भी है जहां पर आपको मेरे बनाए गए योग और विभिन्न आयुर्वेदिक कंपनियों के ब्रांडेड दवाइयां अवेलेबल हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।